हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप रैडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्रिटिकल लेवल्स रिपोर्ट को कैसे व्यू कर सकते हैं। आइटम मास्टर्स में जो मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल सेट किया हुआ है, उसके हिसाब से आइटम का क्या स्टॉक होना चाहिए, ये आप इस रिपोर्ट से व्यू कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री, क्रिटिकल लेवल्स पे क्लिक करना है। रिपोर्ट क्राइटेरिया फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सभी डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। व्यू, जिस व्यू वाइज रिपोर्ट देखनी हो वो ऑप्शन या लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट डेट, जिस डेट से लेके जिस डेट तक की रिपोर्ट देखनी हो वो डेट यहाँ सेट कर देनी है। नेक्स्ट आइटम ग्रुप, अगर सभी आइटम ग्रुप्स की रिपोर्ट व्यू करनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर आइटम ग्रुप के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके आइटम ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम, अगर सभी आइटम्स की रिपोर्ट व्यू करनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर आइटम के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आइटम सब ग्रुप, अगर सभी आइटम सब ग्रुप्स की रिपोर्ट व्यू करनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज पर्टिकुलर आइटम सब ग्रुप की रिपोर्ट के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके आइटम सब ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आइटम सब ग्रुप वन, अगर सभी आइटम सब ग्रुप्स वन की रिपोर्ट व्यू करनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज पर्टिकुलर आइटम सब ग्रुप वन के लिए इक्वल टू ऑप्शन को सिलेक्ट करके आइटम सब ग्रुप वन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट बैलेंस, इसमें तीन क्राइटेरिया है, हम एक एक करके देखेंगे सभी में क्या रिपोर्ट आएगी। यहाँ हम पहले लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सक्लूड जीरो स्टॉक, अगर जीरो स्टॉक वाली आइटम्स को रिपोर्ट में व्यू ना करना हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। सभी डिटेल सेट करने के बाद अगर हमें सभी क्राइटेरिया को सेव करना हो तो यहाँ सेव क्राइटेरिया पे टिक कर देना है, जिससे नेक्स्ट टाइम हम जब भी रिपोर्ट देखेंगे तो ये क्राइटेरिया एज इट इज सिलेक्टेड रहेगा, जैसे अभी सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ शो बटन पे क्लिक कर देंगे, रिपोर्ट आ गई है। यहाँ हमारे पास इस आइटम की बैलेंस क्वांटिटी 10 है। नेक्स्ट आइटम मास्टर्स में मिनिमम लेवल 8 सेट किया हुआ है, मतलब कि शॉप पर हमेशा साड़ी के मिनिमम 8 पीसेस तो स्टॉक में होने ही चाहिए, और अभी यहाँ पे 10 पीसेस हैं, तो यानी कि 2 पीसेस एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पे अगर मिनिमम लेवल में 10 सेट किया होता तो डेफिशिएंसी में जीरो वैल्यू आती, अगर मिनिमम लेवल में 15 सेट किया होता तो डेफिशिएंसी में 5 वैल्यू आती। नेक्स्ट रीऑर्डर क्वांटिटी, ये वैल्यू एज इट इज जो आइटम मास्टर्स में सेट की होगी वो यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे एस्केप करेंगे। अब हम यहाँ पे बैलेंस में लेस देन इक्वल टू रीऑर्डर लेवल ऑप्शन को सिलेक्ट करके रिपोर्ट व्यू कर रहे हैं, रिपोर्ट आ गई है। आइटम मास्टर्स में साड़ी का रीऑर्डर लेवल 13 सेट किया हुआ है, मतलब इस आइटम की बैलेंस क्वांटिटी 13 या 13 से कम हो तो रीऑर्डर करना है, यानी कि परचेज कर लेना है। अब यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी 10 है, इसलिए यहाँ पे 3 पीसेस की डेफिशिएंसी आ रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एस्केप कर देंगे। अब हम यहाँ पे बैलेंस में ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑप्शन को सिलेक्ट करके रिपोर्ट को व्यू करेंगे, रिपोर्ट आ गई है। यहाँ पे आइटम मास्टर्स में साड़ी का मैक्स लेवल 16 सेट किया हुआ है, और अभी यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी में 20 पीसेस हैं, यानी कि 4 पीसेस ज़्यादा हैं स्टॉक में, इसीलिए वो यहाँ पे ओवर स्टॉक में आ जाएंगे। ये सभी डिटेल्स को आप इस रिपोर्ट में व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हमें रिपोर्ट में कॉलम्स को ऐड या लेस करना हो तो कस्टमाइज बटन पे क्लिक कर देना है। रिपोर्ट को कस्टमाइज कैसे करें उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप वो रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें रिपोर्ट को प्रिंट करना हो तो यहाँ प्रिंट आइकन पे क्लिक कर देना है, रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से हम रैडिक्स में क्रिटिकल लेवल्स रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।